हाय फ्रेंड्स, आई एम रश्मि, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी में मैं आपको मिक्स फ्रूट पंच बनाना बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने करीब हाफ किलो वाटरमेलन तरबूज लिए हैं और इसे स्लाइस कर लिया है। सभी वाटरमेलन को मैंने एक मिक्सी जार में लिया है और इसे ग्राइंड करके हम जूस बनाएंगे। हमें वाटरमेलन में पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वाटरमेलन में 90% पानी ही होता है। हमें मिक्सी के जार को कंटिन्यू बहुत देर तक नहीं चलाना है, बल्कि हम इसे 6 से 7 सेकंड तक चलाकर हम इसे स्टॉप करेंगे और फिर इसे अगेन 6 से 7 सेकंड तक चलाकर 2-3 बार इसे ग्राइंड करेंगे। ज़्यादा चलाने से सारे सीड्स भी जूस के साथ ग्राइंड हो जाएंगे, हमें उसे अवॉइड करना है। हमारा वाटरमेलन का जूस रेडी है। हम इसे एक छलनी के हेल्प से अच्छी तरह से इसके पल्प और सीड्स को छान लेंगे और हमारा वाटरमेलन का जूस रेडी है। हम वाटरमेलन के इस पल्प को फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसे आप एज ए फेस मास्क या फिर बॉडी स्क्रबर की तरह आप इसे बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये देखिए, हमारा वाटरमेलन तरबूज का जूस रेडी है। इसी तरह से मैंने 1 ग्लास ऑरेंज का जूस भी रेडी कर लिया है और अनार का जूस भी तरबूज की तरह ही ग्राइंड करके अनार का जूस भी निकाल लिया है। अब हम सारे जूसेस को इन कॉलिकट ग्लासेस में असेंबल करेंगे। मैंने यहाँ पर ये कॉनिकल शेप का ग्लास लिया है, आप किसी भी शेप का ग्लास ले सकते हैं। अब हम सारे जूसेस को इसमें, सबसे पहले मैं इसमें ऑरेंज जूस को डालूँगी। ग्लास में मैंने 1/3 ऑरेंज जूस डाला है, उसके बाद 1/3 वाटरमेलन जूस दोनों ही ग्लास में, और उसके बाद 1/3 मैंने अनार का जूस ऐड किया है। साथ ही मैंने यहाँ पर टोटल जूस का 1/10 पार्ट चिल्ड सोडा वाटर लिया है। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। साथ में आप चाहें तो क्रस्ट आइस क्यूब्स भी हम जूस में डाल सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर फ्लेवर के लिए थोड़ा थोड़ा लेमन जूस भी डाला है, करीब 1 टीस्पून, थोड़ा सा चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट। तो बस हमारा ये मिक्स फ्रूट पंच रेडी है। मैंने इसे कुछ ऑरेंज स्लाइस से गार्निश कर दिया है। आप भी समर में इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।